जरा याद इन्हें भी कर लो। जिंदा दीवार में चिनवा दिया। बादशाह औरंगजेब के आदेश पर मुगलों ने आनंदपुर साहब को घेर लिया। मुगलों ने वादा किया कि अगर वे आनंदपुर के किले को सौंप देंगे तो सिखों को अकेला छोड़ देंगे। इसके लिए गुरु गोविंद सिंह सहमत हुए और अपने परिवार के साथ शहर छोड़ दिया। अभी भी अधिक दूर नहीं गए थे कि मुगल अपना वचन तोड़कर उनके पीछे आ गए। गुरु गोविंद सिंह ने अपने दोनों छोटे बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के साथ साथ अपनी मां माता गुजरी को अपने घर के रसोई ब्राह्मण जिसका नाम गंगू था उनकी देखभाल के लिए रखा। गंगू उन्हें धोखे से सरहिंद के कलेक्टर के पास ले गए, जहां नवाब वजीर खान ने उन्हें एक आसान जीवन जीने का वादा किया अगर वह इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो, और यदि नहीं करते हैं तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों ने उत्तर दिया, सिख धर्म हमारे लिए हमारे जीवन से अधिक प्रिय है और इस दुनिया का कोई भी मोह हमें इस सच्चे सिख होने के मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। जिसके बाद वजीर खान ने उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया और दसवें गुरु के बेटे इस तरह शहीद हो गए। अपने धर्म की रक्षार्थ उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। ऐसे थे गुरु गोविंद सिंह के ये लाडले। ऐसे सपूतों को सादर नमन, सादर वंदन। जय हिंद, जय भारत।